नमस्कार मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ ये नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है दरअसल 28 मार्च 2005 से पहले सेवा में नियुक्त पुलिसकर्मी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले सकेंगे सरकार ने उन्हें ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया है जो इकतीस अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा जी हाँ इकतीस अक्टूबर दो तक पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन योजना का चयन कर सकते हैं ध्यान रखें एक बार विकल्प जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा ओपीएस का विकल्प चुनने वाले पुलिसकर्मियों के एनपीएस खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे एनपीएस खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान जीपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जबकि सरकारी अंशदान राजकोष में जमा होगा पहले भी केंद्र सरकार ने इसी प्रकार की सुविधा दी थी जहां कर्मचारियों को एक बार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प उपलब्ध कराया गया था यह निर्णय पुलिस कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे उन्हें पेंशन के मामले में अधिक विकल्प मिल सके इधर गाजियाबाद वालों के लिए एक खुशखबरी है जी हाँ ब्लू और रेड लाइन मेट्रो कॉरिडोर मिलने के बाद अब गाजियाबाद को पिंक लाइन मेट्रो कॉरिडोर मिलेगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने गाजियाबाद में तीसरे मेट्रो कॉरिडोर के रूप में पिंक लाइन मेट्रो की योजना बनाई है इस लाइन में का विस्तार दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से गाजियाबाद के अर्थला तक रहेगा यह पिंक लाइन मेट्रो हिंडन हवाई अड्डा और हिंडन वायुसेना स्टेशन को जोड़ते हुए अर्थला तक पहुंचेगी और रेड लाइन मेट्रो से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी नई पिंक लाइन मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर होगी और इसमें 10 से अधिक स्टेशन हो सकते हैं यह कॉरिडोर गाजियाबाद को दिल्ली के पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जिससे दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवाजाही आसान होगी प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद डीएमआरसी इस रूट पर काम शुरू करेगा सीएम योगी की पहल के तहत ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि जिम्स में नए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण जल्द शुरू होगा एक करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना में मेडिकल कॉलेज का नया भवन लाइब्रेरी हॉस्टल और अन्य विकास कार्य शामिल है नियोजन विभाग को इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है और सभी निर्माण कार्य ई मोड पर किए जाएंगे इस परियोजना में कुल आठ स्क्वायर मीटर में हॉस्पिटल ब्लॉक विंग चार का विकास होगा जिसमें विभिन्न मेडिकल डिपार्टमेंट्स शामिल होंगे मेडिकल कॉलेज विंग पांच का निर्माण 24,317 स्क्वायर मीटर में होगा जिसमें एनाटॉमी रिसर्च लैब बायो केमिस्ट्री और अन्य डिपार्टमेंट्स होंगे मेल हॉस्टल के दो ब्लॉक्स और डायरेक्टर्स रेजिडेंस भी बनेंगे इस परियोजना के पूरा होने से ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का मार्ग खुलेगा और प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा ग्रेटर नोएडा और आसपास के जिलों में परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है सुपरटेक के दिवालिया होने के बाद कई परियोजनाएं रुक गई थी जिसमें पंद्रह हजार से अधिक खरीदारों को अपने घरों का इंतजार करना पड़ रहा है एनबीसी के प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सात प्रमुख परियोजनाओं पर काम शुरू होगा जिसमें ग्रेटर नोएडा की इको विलेज टू और नोएडा की इको सिटी शामिल है बाद के चरणों में अन्य परियोजनाएं जैसे कि मेरठ की ग्रीन विलेज और बैंगलोर की मिकासा को पूरा किया जाएगा खरीदार अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं ताकि निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सके देश की पहले स्लीपर कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही यात्रियों को आरामदायक रात की यात्रा का अनुभव कराएगी नवंबर के अंत तक एक और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटना से नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी जिसका ठहराव कानपुर सेंट्रल पर होगा इस नई ट्रेन में 180 डिग्री पर घूमने वाली सीटें होंगी जिन्हें फ्लैट बेड में बदला जा सकेगा व्यक्तिगत स्क्रीन वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे पैनिक बचन विशेष बाथरूम और शावर जैसी सुविधाएं होंगी इसके अलावा अत्याधुनिक एयर फिल्ट्रेशन और वातानुकूलन प्रणाली यात्रियों को एक आरामदायक यात्रा अनुभव देगी इससे पहले वाराणसी और अयोध्या के लिए चेयरकार वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा था लेकिन अब स्लीपर कोच के साथ यह सेवा यात्रियों के लिए और भी आकर्षक और सुविधाजनक होगी ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार हम है देश के दिल उत्तर प्रदेश की धड़कन उत्तर प्रदेश टाइम्स